एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने सोमवार को पुलिस ऑफिस में तैनात पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया और कहा कि ड्यूटी के दौरान सदा ही सतर्क और मुस्तैद रहें, अपनी वर्दी को अच्छे तरीके से धारण करें तथा पुलिस शूज को भी मेंटेन रखें। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मी सदैव पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ तत्पर रहें, जिससे कभी भी कहीं भी आपात स्थिति में कोई घटना घटित हो जाती है तो उस पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, वर्दी की जूती क्यों नहीं पहन रहे, तो दिखे थे वर्दी की जूती दिखाई देना चाहिए भाई मेरे को। आपको लास्ट में आवाज आ रही मेरी, देखिए आप लोगों को हमने इसलिए खड़ा किया यहाँ पे, लोग कोई बीमार है अभी इनमें से कोई बीमार खड़ा हुआ है तो मेरे पास आ जाए, कोई भी बीमार आदमी जो खड़ा नहीं रह सकता है धूप में, कोई भी महिला कांस्टेबल कांस्टेबल एनीवन जो जो इल है बीमार है मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कोई हो तो मेरे पास आ जाओ इधर। ठीक है भाई, है उसमें क्या मजा ज़्यादा आ रहा है वर्दी के दूसरे वाले सूज में, एक जैसा ही फील होता है, वर्दी के सूज में ज़्यादा बढ़िया फील होता है मेरे हिसाब से, तो मुझे एक भी वर्दी के साथ खिलवाड़ नहीं चाहिए, क्लियरली जान लीजिए आप लोग, वर्दी पहन के ही रखेंगे और पुलिस ऑफिस में जो ड्यूटी कर रहे हैं तो क्यों अलग? आप सब लोग बहुत, एक तो वर्दी के सूज पहनिए आप लोग, वर्दी के सूज नहीं पहनने का मतलब है आप वर्दी की इज्जत नहीं कर रहे हैं अपनी, आप वर्दी की इज्जत नहीं करेंगे तो अपनी स्वयं की इज्जत नहीं कर सकते। जब वर्दी जो गवर्नमेंट ने दी है सरकार ने दी है हमें पहनने के लिए, वो कम से कम पहने हम लोग अनिवार्य रूप से, अगर आप वर्दी नहीं पहन पा रहे हैं इसका मतलब आपको कोई इज्जत नहीं है वर्दी के मन में आपके। स्पोर्ट शूज पहन लेते हैं, काले शूज पहन लोगे, उससे बेकार शूज पहन लोगे, लेकिन वर्दी के पहनने में तकलीफ है, तो भाई वर्दी के शूज पहनिए 100% आपको। हालांकि मैंने इसलिए फॉलन नहीं किया आज, फॉलन तो इसलिए किया कि आप लोग सही सलीके से वर्दी रहे आपके पास। क्यों नहीं है भाई विजय ये वाला बोर्ड के जाओ, नहीं नहीं अभी जाओ, अभी जाके मेरे साथ पेश होइए, वापस पुलिस लाइन जाइए, जहाँ जाना जाइए, किस किस जगह तैनात हो, पेशी कैंपियर के इनको हटा दीजिए भाई, पेशी से हटाइए, और फिजिकली फिट हो मेंटली फिट हो, और जिनके पास बॉडी प्रोटेक्टर भी नहीं रखेगा अपने पास में वो पुलिस ऑफिस में ड्यूटी हमने करने नहीं देंगे, उसको नहीं जरूरत है मुझे पुलिस ऑफिस में उसकी किसी बात, चाहे महिला कांस्टेबल है पीछे खड़ी है चाहे आगे वो दरोगा जी खड़े हैं। आई वॉन्ट बॉडी प्रोटेक्टर अनिवार्य रूप से, जो ये लड़के ने पहन रखा है पहनना भी ऐसे है, ऐसे लटकाना नहीं है, उड़ेगा समझने वाली बात को आपको, तो बॉडी प्रोटेक्टर आपका एकदम फिट जैसे इन्होंने पहन रखा है पुराने कांस्टेबल, कह रहे आपका कृष्ण मोहन राव बुजुर्ग है आपसे कई लोगों की उम्र में ज्यादा है, बावजूद इनका उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पहन रखा है बॉडी प्रोटेक्टर, लेकिन कुछ लोगों ने लटका रखा है बॉडी प्रोटेक्टर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हमारी पीटर को देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से उधर बॉडी प्रोटेक्टर, तो कृपया मेरे पास आ जाए इधर सामने, हालांकि विटामिन डी मिलता है धूप से, तो कृपया करके इस चीज़ को देख के सभी शाखाओं में भेजना है, एक तरह आप सभी लोग हमेशा रिजर्व रहेंगे 10 बजे से 5 बजे तक, आपकी ड्यूटी है 10 बजे से 5 बजे तक ऑफिस में जब तक रहेंगे, उसी एक जो देसी के लोग हैं चाहे एसपी उत्तरी के एसपी दक्षिणी के या और देसी के, वो एसपी उत्तरी या एसपी दक्षिणी के लोगों से रहेंगे रिजर्व, आप हमेशा रहेंगे 10 से 5, 10 बजे आपकी उपस्थिति लाइन पुलिस ऑफिस में हो जानी चाहिए, हस्ताक्षर हो जाना चाहिए रजिस्टर में, आज मैंने रजिस्टर चेक किया कुछ लोग यहाँ मौजूद होते हुए भी उन्होंने साइन नहीं किए, 2 दिन से नहीं है किसी ने, 3 दिन से नहीं किए, कुछ लोग यहाँ मौजूद है वीआईपी सेल विशेष रूप से जो पूरी मौजूद है शायद, लेकिन किसी ने साइन नहीं किए, 10 बजे आते ही पहला काम आपको हस्ताक्षर बनाना है अपने उससे, और उसके बाद अपनी ड्यूटी शुरू कर देनी है, पेशकार आपका इंचार्ज रहेगा हमेशा पूरी फोर्स का, यहाँ जितनी फोर्स है उसका पेशकार जो भी मौजूद होगा वो आपका इंचार्ज रहेगा, पेशकार साहब आपको रिजर्व का 8 मिनट, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 5 मिनट के अंदर मेरे ऑफिस में पुलिस ऑफिस में अगर किसी के पास बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट और डंडा 3 चीज नहीं है तो वो पुलिस ऑफिस से तत्काल रूप से ट्रांसफर करा ले, अभी आकर के पेश होकर के साहब मैं बॉडी पर हेलमेट डंडा नहीं रख सकता मेरे पास, तो मेरा कृपया करके मेरे समक्ष पेश हो जाए और अभी ऑफिस पेश होकर अपनी ट्रांसफर करा ले यहाँ से, पुलिस ऑफिस में सिर्फ फिजिकली और मेंटली फिट आदमी ही चाहिए।
जो इंचार्ज है उनके माध्यम से जरूरत हो सकती है। पुलिस डिपार्टमेंट हम 25-24 घंटे के सर्विस करता है। जब हम नौकरी में आए थे शपथ पत्र दिया था, हम लोगों ने क्लियर कट लिखा था कि हम 24 घंटे के सरकार के नौकर हैं, पब्लिक के नौकर हैं 24 घंटे के लिए। तो कभी जरूरत ऐसी पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर में या किसी और चीज में, तभी आपको रात में बुलाया जा सकता है। जो संभावना है उसकी बहुत ही कम है, बहुत ही नगण्य है, लेकिन जब बुलाए तो आप लोगों को हाजिर हो जाना तत्काल प्रभाव से। अभी मैं जब आप लोग नहीं है करेंगे तो फिर सैटरडे और संडे को मैं पुलिस लाइन में आपकी आमद कराऊंगा यहाँ से, अगर आप लोग मुझे सही बिहेवियर नहीं दिखा इसके बाद भी। तो संडे को जरूरत पड़ती है तब भी हम आपको बुला सकते हैं, तो आप फोन पे उपलब्ध रहे। पुलिस ऑफिस में होने का यह फायदा होना चाहिए, लेकिन जरूरत होने पर हम आप लोगों को बुला सकते हैं। तो आपका फोन हर समय ऑन रहना चाहिए 24x7 24 घंटे तो दो 24x7। आप ये नहीं कह सकते ना प्राइवेट फोन मैं ऑन नहीं रखूंगा या नहीं रखी मैंने बंद कर दिया, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं क्लियरली। बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी 99%। अगर जरूरत पड़ती है तो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। और पुलिस ऑफिस में आपका बॉडी पर हेलमेट आया, यहाँ आए और यहाँ से लिया और चल दिए एनीवेयर जहाँ जाना है, ये क्लियरली जान लीजिए आप लोग। और आप लोग वर्दी क्रेडेंशियल में एंट्री करेंगे, इनके सबके क्रेडेंशियल अभी एंट्री करके मेरे साइन कराएंगे कि मैंने चेक किया उन्होंने सही शूज नहीं पहन रखे थे। मैं क्रेडेंशियल में एंट्री करूँगा, मुझे जूते भी पहनते थे आपको जिंदगी भर याद आए कि हम गलत जूते, मैंने मेरी जिंदगी में कभी गलत जूते नहीं पहने। सही पहनना है तो सही पहनना है, चाहे 10 बार उसको बांधना पड़े, 10 बार उसको खोलना पड़े, क्लियरली जान लीजिए। वर्दी का जो सूज है, वर्दी का जो नियम है उसको पहने। डंडा 3 चीज अनिवार्य है, अगर वो सिन गार्ड और एल्बो गार्ड अगर रहे तो बहुत ही बढ़िया बात है। उसके बाद नंबर आता है कैन शील्ड और इसका शील्ड का, तो शील्ड भी आपके पास रहनी चाहिए। ये चीज़ें आप जहाँ बैठे हो कुर्सी के पास पड़ी रहे और उसको झटका करिए, धूल न लग जाए क्योंकि धूल बहुत कम पड़ती है, धूल लग जाती है। फटी हुई पड़ी है, आज जैसे इन्होंने फटी हुई पहन ली, क्योंकि वो भी नहीं लगा हुआ है जो होना चाहिए। तो ये चीज़ कृपया करके ध्यान रखिएगा। किसी को कोई डाउट, किसी भी बात में मेरी बात में कोई डाउट, ये हमारे जो पुलिस ऑफिस में लोग तैनात हैं, हमारे कांस्टेबल सर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स, उनकी प्रिपेयरनेस तैयारी देखी, लॉ एंड ऑर्डर में आवश्यकता होने पर इनकी कैसी ड्यूटी ली जाएगी और इनके इतनी तैयारी के साथ ये लोग मौजूद हैं, इनकी अटेंडेंस भी चेक की गई। आज कुछ लोग एबसेंट भी मिले, जो लोग एबसेंट मिले हैं उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो यहाँ मौजूद है और जिन्होंने साइन नहीं किया उनको भी कॉल एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे, आगे से ऐसा ना हो ऐसा निर्देश दिया गया है। जो लोग सही सूज, कुछ लोग हमने यहाँ देखा है, कुछ लोग सही सूज नहीं पहनते, वर्दी अगर पहननी है तो उसको सही तरीके से पहना जाए, इसके लिए बताया गया, इनको निर्देश दिया गया, उसको समझाया गया। और उनको जो सही वर्दी नहीं पहन के खड़े थे उनको दंडित भी किया जाएगा। और आगे से सभी लोगों को ये निर्देश किया गया कि आप तैयारी हालत में रहें, आपके पास बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा हर समय मौजूद रहना चाहिए, तब आपकी ड्यूटी ले सकें। और जहां हमें रिजर्व की ज़रूरत पड़ती है, जहां लॉ एंड ऑर्डर में हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, हमारी फोर्स दुगनी होती है इससे, और इसी फोर्स जो कि हमारी पुलिस फोर्स ही है ये और पुलिस ऑफिस में काम करती है, इनको 10 बजे से 5 बजे तक रिजर्व रहने के लिए आदेश किया गया है और ये हमेशा रिजर्व रहेंगे 10 से 5। देखिए सूज पे नहीं है, पूरी वर्दी पे है। वर्दी गलत ना पहने कोई भी आदमी, अगर वर्दी सही नहीं पहन रहे हैं इसका मतलब उसका मन कहीं और है और उसको वर्दी के प्रति उतना लगाव नहीं है। तो उन लोगों को हम चिन्हित करते हैं जो सही वर्दी नहीं पहन रहे हैं, और विशेष रूप से सूज गलत पहनने की आदत पड़ गई लोगों में, तो इसकी टोका टोकी होनी चाहिए, सबको बताना चाहिए और 100% वर्दी जो अनुमन्य है वही पहनी जाए। थैंक यू।